सेप्टेंबर एंड अक्टूबर से राफ्टिंग स्टार्ट होती है इट गोज ऑन टिल मार्च अप्रिल वट इज द दाइड मतलब लोग ऋषि मुनि को देखने जाते हैं लोग योगा के लिए बड़ा वहाँ पे जाते हैं क्योंकि उनको पीस चाहिए होता है फिर कुछ एडवेंचर के लिए भी जाते हैं बट एक आइडियल पाँच सात दिन अगर किसी के पास हो तो क्या आप कैसे आइटनरी बनाना चाहते तो ऋषिकेश यू सेड योगा कैपिटल है इंडिया का बेस्ट राफ्टिंग स्पॉट इंडिया का ऋषिकेश में है इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग स्पॉट ऋषिकेश में एंड एक एडवेंचर जंकी जो आपके अंदर है खुद पैदा हो जाएगा अगर आप एक बार राफ्टिंग कर लोगे एक बार उस गंगा के पानी में आप डुबकी मार लोगे राफ्टिंग करते वक्त या फिर आप बंजी बहुत रिसेंटली खुला है पहले जो की इंडिया का हाईएस्ट है एंड डेफिनेटली सबको रिकमेंड करूंगा बिकॉज एक बार जब आप ऊपर से फ्री फॉल करते हो आपको जेनुअनली एक पूरी लाइफ आपके सामने आती है की आप बहुत कुछ कर सकते हो बहुत बड़ा फियर होता है हाइट आई थिंक ऑलमोस्ट सबका होता है तो बहुत ज्यादा है मैंने

एक भी कैजुअलिटी wow. नहीं हुई है एंड okay. वहाँ पे न्यूजीलैंड से एक्सपर्ट्स हैं जो ये सब कराते हैं विच इज वेरी सेफ एक्सपेंसिव है जंपिंग हाइट्स जो पहले से एस्टैब्लिश है दैट इज 3500 पर पर्सन विच इज फेयर इजबल यस एक्सपीरियंस एंड द न्यू वन इज 5000 बट एक्सपीरियंस में डिफरेंस है दोनों के द न्यू वन व्हिच इज मोर एक्सपेंसिव वहां का कैमरा क्वालिटी इज आल्सो वे बेटर कि आपका वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा ओके एंड इट इज आल्सो टॉलर सो यू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस ऋषि मुनियों को देखने के लिए क्या ऋषिकेश हम जा सकते हैं कई बार वो सोचते ना कि यार हमें वो वाली एक्सपीरियंस भी चाहिए यहां पे ऋषिकेश में योगा And बहुत हैं। okay. तो अगर आप खुद एक स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होना चाहते मेरा ये मतलब नहीं है कि आप भगवान के डिवोशन में ही लगो hmm. मैं ये आप इनर सेल्फ आप इनर मेडिटेशन वो सब चीजें जब करते हो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है

घाट आई जाइए आप वहाँ पे क्योंकि अगर आप लेट गए आपको एकदम पीछे खड़े होने को मिलेगा आपको आरती भी नहीं दिखेगी इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसे नहीं देने बट आप थोड़ा जल्दी जाके बैठिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस करूंगा वशिष्ठ गुफा करके है जो कि ऋषिकेश के सेंटर से आठ नौ किलोमीटर है वहां पे आप केव तरह का है वहां पे ऋषि मुनि बैठे होते हैं कुछ जो अपने चैंड पढ़ रहे होते हैं और आप बस वहां पे जाके थोड़ी देर बैठ जाओ आप अपनी आंख बंद करो पलथी मारो और बैठ जाओ जगह बहुत अच्छी है अगर आपको ऋषिकेश तो so या या। आप पहली बार गया था दस दिन का बिना प्लान बनाया गया था एंड जब वहां से आया तो फिर का आइडिया लेके बाहर निकला wow! <laughs> तो फिरगुन का जो इनिशिएटिव आइडिया जो स्टार्टिंग आइडिया आया था वो मुझे ऋषिकेश से आया था तो जगह मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है सबके लिए ही होगी अगर आप जाओगे वहां पर व्हाट्स द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू रीच ऋषिकेश मतलब कैसे आप रेकमेंड करोगे uh, अगर आप फ्लाइट ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट देहरादून की फ्लाइट लीजिए वहां से सिर्फ एक घंटा है वरना जो सबसे कन्वीनियंट वे सबके लिए पड़ता है कि आप दिल्ली आ जाओ दिल्ली से सिर्फ साढ़े चार पांच घंटे की ड्राइव है तो आप कैब ले सकते हो या कोई भी बस ले सकते तो हो तो पूछना चाहूंगा वुड यू रिकमेंड की हमारे पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए जो वहां लेके जाए या फिर वहां से भी कैब्स और वो सारी चीजें आपको बहुत आराम से कैब्स मिलती है तो आप बस ऋषिकेश पहुंच जाए आप सबको सारे ट्रेवलर्स यूज यही करते हैं कि वो डेली से बस ले लेते हैं हैं या फिर हाँ। कैब ले लेते हैं जस्ट टू रीच ऋषिकेश उसके बाद इंटरनली आप आधा टाइम वॉक ही करोगे क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं है ऋषिकेश अगर आप लक्ष्मण झूला के आसपास कहीं भी रुक रहे हो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ कवर कर सकते हो सारे कैफे सारे फूड स्टॉल्स आरती की जगह तो मैं करूंगा वहीं पे जाके ऑटोज मोर कन्वीनियंट क्योंकि भीड़ रहती है, तो वो easily, सकते आप, हाँ। कि आप कहा कितना टाइम स्पेंड करोगे ऋषिकेश में नॉनवेज भी मिलता है नहीं ऋषिकेश में नॉन नहीं है, मिलता है सिर्फ वेज फूड मिलता है तो ऋषिकेश के थोड़े आउटर पे जाके आपको कहीं नॉन मिलेगा बट अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो वहाँ पे वेज खाना ही खाना पड़ेगा इट्स वेरी टेस्टी का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करिएगा लक्ष्मण झूला के पास आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा चाट मटर पानी पूरी है वो बहुत ऑथेंटिक और टेस्टी होता है आई थिंक ऑलरेडी मेरे मुंह में पानी आ रहा है कुछ डोंट्स हैं ऋषिकेश के लिए जैसे कि अक्सर हम लोग बोलते ना ट्रेवलर्स को

बार्स हैं जो मिलते हैं वहाँ पे दो शॉप्स हैं जहाँ पे अल्कोहल खरीद सकते हो आप right. बट आप खुले में कहीं भी ये सब मत करिए बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड एंड वहाँ पे इस चीज के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसके अलावा ऋषिकेश में कोई

इसके अलावा ट्रेवलर्स के लिए बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, okay. बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिनके डॉम्बे बहुत ही क्लीन बहुत ही हाइजेनिक हैं तो 500-600 रुपए पर पर्सन पर डे में आपको ये मिल जाएगा खाना बहुत सस्ता है तो आपको 200-300 से ज्यादा पर मील के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा तो इन जनरल चाहे आप लग्जरी ट्रैवल करो या नॉर्मली ट्रैवल करो इज नॉट एक्सपेंसिव आप आराम से जा सकते हो An ideal seven, days बहुत है ना? उससे, उससे कम भी मतलब तो एक तो बिकॉज क्या है ऋषिकेश बहुत ज्यादा है हर साल प्लान बनता था कि रा, राफ्टिंग के लिए जाएंगे फिर इतने बड़े हो गए बच्चे हो गए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं उसके बाद अभी तक नहीं गए बट डेफिनेटली बोलते तो शायद एक बहुत अच्छा मौका है आप जाके थोड़ा इतमान से एकांत में जाके यू कैन कनेक्ट विद ऋषिकेश इज अ प्लेस फॉर स्लो ट्रैवलिंग आप ये मत सोचिए वहाँ जाके हड़बड़ में सब कुछ करना है आप आराम से ट्रैवल करिए रात को लाइव म्यूजिक कैफेज में बैठ जाइए इट्स अ प्लेस फॉर स्लो ट्रैवलिंग यही हर किसी की इंटेंशन कई बार होती है